हम बात कर रहे हैं आपके साथ लूप। वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम लूप की बात करेंगे। लूप आखिर करता क्या है, इस चीज के जान लेते हैं। देखिए, लूप का यूज होता है किसी कोड को आप रिपीट ना कर लूप के अंदर डाल दे, ताकि वो जितना बार रिपीट करना चाहे उतना बार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा हमारा ए है, एक स्टिकर टाइप का है, मुझे इसको कॉपी करके एक एक रो छोड़ के नीचे पेस्ट करवाना है, सिंपल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रेंज A1 से लेके हमने यहाँ दे दिया C6 डॉट, हमने यहाँ कर दिया कॉपी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं कि रेंज A65000 डॉट एन एक्सलेस ऑफ डॉट ऑफसेट, 1 नहीं करेंगे 2 करेंगे क्योंकि एक रो छोड़ना है ना, डॉट पेस्ट स्पेशल। अब मुझे इसी इसको अगर इसको रन करता हूं तो सिर्फ एक बार जो होता है, सिर्फ एक बार मेरा डेटा कॉपी पेस्ट होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये 5 बार, तो मुझे इस लाइन को 5 बार लिखना होगा। अब लूप में सबसे बड़ा ये जानना होता है कि किस लाइन को हमें 5 बार रिपीट करना है, क्योंकि सब कुछ नहीं करना होता है। जैसे इस कोड में देखिए, हम कॉपी एक बार कर सकते हैं और कॉपी एक बार करने के बाद हम कई बार पेस्ट कर सकते हैं, तो कॉपी को बार बार कॉपी करना जरूरी नहीं है, तो हमें इसी लाइन को रिपीट करना है। तो इसको मैंने 4 बार रिपीट कर दिया, तो रन करिएगा देखिएगा कि 4 बार कॉपी हो गया। लेकिन ये तो मैनुअल हो गया और ये डायनेमिक तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर 40 बार करना है, 400 बार करना है, 30 बार करना है, इस तरह का डायनेमिक कभी भी चेंज हो सकता है, तो उस केस में बार बार कॉपी पेस्ट करना। और दूसरा बात है कि हम अभी कोड कॉपी पेस्ट करें, उससे अच्छा है कि हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लें। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे लूप का। तो लूप में देंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2, हमने 5 लिख दिया, 50 लिख दिया, जितना देना चाहते हो। यहाँ पे आप लगा दीजिए अपना इनपुट बॉक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने किया नेक्स्ट। तो इससे क्या हुआ कि जब ये रन हुआ तो इसने 5 बार इसको रिपीट कर दिया। अब इसमें जानिए कि ये आपका 5 और ये आई है क्या। देखिए, इसकी लूप की जो प्रोसीजर है उसको समझिए, ठीक है। फोर और नेक्स्ट आपको लगाना पड़ेगा। आई एक वेरिएबल है, आई की जगह पे एक्स वाई जेड ए बी सी डी अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा एक वेरिएबल एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान आती है, तो ये करता है क्या, ये काउंट लेता है। अभी देखिए देखिए, मैं यहाँ एफर्ट यूज कर रहा हूँ, एफर्ट किया तो आप देखेंगे पहले इसने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे लूप चलेगा, तो ये क्या करेगा, जब जितना बार चलेगा उतना बार आई के ऊपर एक वैल्यू डाल देगा। आप देखिए आई इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। आई इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो यस गया। सर, वन अब यस आगे सर। बढ़ा, उसने एक बार पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या काम किया है, चेक करता है कि आई के ऊपर डली गई वैल्यू हमारे मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा तो नहीं है, मतलब अगर कम है तो नेक्स्ट वापस भेजेगा। फिर फोर क्या करेगा, आई पे एक और वैल्यू स्टोर करेगा और इस कोड को रन करेगा। फिर नेक्स्ट चेक करेगा कि ये 5 तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो फिर वापस भेजेगा। फिर फोर क्या करेगा, एक वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, इसी तरह से जब तक। अब देखिए आई हो गया क्या, 6 हो गया, तो नेक्स्ट ने क्या किया कि नहीं, 6 हो गया, बाहर आओ, इसने आप बाहर ला दिया। तो फोर का जो है इसी तरह से वर्क करता है, ठीक है। अब ये जो आई है ना, इस आई का यूज हम लोग कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, C2 में मुझे 1 से लेके 100 तक का सिक्वेंस नंबर लिखना है, तो यहां पे मैं सब्जेक्ट लूप अंडरस्कोर, हमने यहाँ पे 2 करके एक नया माइक्रो बनाया। अब मैंने यहाँ पे लगाया कि फोर आई इक्वल टू चले 1 to 100, और फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेक्स्ट आई कर दिया। अब इस आई को यूज कैसे करेंगे, तो
तो देखिए दो तरीके, आप लिख सकते हैं कि रेंज ए के साथ आई डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। अब ये कैसे वर्क किया, ये चीज मैं पहले भी आपको बताया हुआ हूं, अभी भी दोबारा समझा देता हूं। क्या होता है, जैसे चला तो आई एक वेरिएबल है ना, तो हम यहाँ कंबाइन करेंगे, तो ए और आई कंबाइन करने के बाद क्या बन जाएगा, ए वन, ए वन पे हमारा ये जो आई है वो हमारा तो वन टाइप हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह से टाइप हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि आप अगर एज मेथड यूज ना करें तो एक और मेथड यूज कर सकते हैं, और जो कि होता है सेल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, लिख सकते हैं सेल्स आई हमारा रो हो गया, कॉलम हमारा वन हो गया, डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। अब यहां पे मैं इसको रन करेंगे तो सेम तरीके से वर्क करेगा और 100 तक का सिक्वेंस दे देगा। अब यहां आता है कि रेंज जो हमने लिखा है 100, इसको डायनेमिक कैसे करें। जी हाँ, जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी कुछ लिस्ट ऑफ द नंबर है और मैं चाहता हूं कि सारे नंबर को चेक करें, जो नंबर ग्रेटर देन 50 है उसको डी कॉलन में कॉपी पेस्ट कर दे या डाल दे। ठीक है सर, तो अब देखिए इसमें रिजल्ट अभी 14 है, कल के डेट में 40 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। सो हम यहाँ लूप को डायनेमिक करेंगे तो बेटर है। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट और लूप अंडरस्कोर 3 करके ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 4i इक्वल टू चले 1 2। अब मुझे पता नहीं है तो मैं यहाँ पे रेंज का मेथड अपना लेता हूँ, कई सारे मेथड है, तो जिसमें सबसे अच्छा होता है कि रेंज वाला मेथड ले लें, 65,000 एंड अप वाला सेम होता है। बहुत लोग काउंट ए लगा लेते हैं, लास्ट रो लगा लेते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। तो ये अब क्या हो गया, लूप हमारा। अब इसके अंदर हम इफ कंडीशन लगा लें कि इफ सेल्स आई कॉमा टू वन सॉरी वन डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 देन देन फिर रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेस अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू सेल्स आई रो जाएगा, वन कॉलम आ जाएगा डॉट वैल्यू। और यहाँ पे क्या करेंगे, रन कीजिए, वर्क करेगा। सॉरी हमने यहाँ ए कर दिया, हमें डी करना चाहिए था, डी कॉलम में चाहिए ना। ठीक है सर, इस तरह से हम डायनेमिक कर सकते हैं। अब सीट पे हुआ, अब जितने भी सीट्स है सारे सीट्स का नाम मुझे चेंज करना, डेटा 1 2 3 4 5, तो इसके लिए भी लूप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लूप 4 का कोड देता हूं, यहां पे देता हूं कि 4i इक्वल टू चले 1 2। अब डायनेमिक करना है तो हम क्या कर देंगे, सीट्स डॉट कि सीट की काउंट ले जाओ उतना बार चलना है। नेक्स्ट, और हमने सीट को रिनेम करना है तो सीट्स i मतलब कि पहला कॉलम, दूसरा सीट, तीसरा सीट, ऐसे सीक्वेंस नंबर से उसका नेम को कर देगा डेटा, क्योंकि और इसके साथ हमने आई को कंबाइन कर लिया। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, बेसिकली लूप जो है वो दो दो तरह का होता है, एक है हमारा फॉर लूप, दूसरा होता है डू लूप।
फोर लूप के दो पार्ट होते हैं। अभी से फोर आई स्टार्ट टू एंड, से 1 to 10 कर दिया, स्टार्ट टू एंड होता है। दूसरा होता है फोर ईच जैसे कि जितने भी सीट्स है उस पर वर्क कर जाए, कि जितने भी सिलेक्टेड रो है उस पर वर्क कर जाए, जितने भी सिलेक्टेड आइटम उस पर वर्क कर जाए, मैं एक ऑब्जेक्ट को काउंट करके उतना बार लूप को चलाता है। ऐसे ही डू के अंदर होता है डू वाइल और डू अनटिल, और एक कंडीशंस पे वर्क करता है, भाई कॉलन एफ में जब तक डेटा मिलता रहे तब तक वर्क करे, इनपुट बॉक्स को जब तक करेक्ट डेटा ना मिले तब तक इनपुट बॉक्स डिसेबल ना हो, इंटरनेट पेज जब तक रेडी ना हो तब तक इंतजार करे, इस तरह का कंडीशन वाले केसेस में हम डू लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अगले कुछ भी कुछ क्लासेस में हम इसी लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल ओके आप सर, फोर फोर लूप की 8-10 माइक्रो पे प्रैक्टिस करके मुझे भेजिए।